बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का सहारा खत्म हो गया भैया। क्या कहा जब आपसे मुलाकात हुई है? ये क्या था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ क्या कहते हैं इसकी अपील करूँगा। उन्होंने अब दर्शन दिया है कि पीड़ितों को सही वो मिले, अच्छा है। अपने घर वालों को संभालो, उन्होंने यही कहा है मुझसे, जो कि मैं जब से मेरी बहन गई तब से मैं कर ही रही हूँ। राहुल गांधी से लिपट कर बिलख बिलख कर रोई एक बिटिया। भोले बाबा की भाई की पत्नी बोली, बाबा करता था मेरे बच्चों से मारपीट। हाथरस हादसे के बहाने अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स। जी हाँ, हाथरस हादसे के बाद अब इस पर अलग अलग अपडेट भी सामने आते जा रहे हैं। बात अगर सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबा की करें तो उसका अभी तक कोई अता पता पुलिस को नहीं लग पाया है। दरअसल FIR जो दर्ज हुई है उसमें भी बाबा का नाम कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ बाबा के वकील की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाबा कहीं फरार भी नहीं है, बल्कि वो UP में ही मौजूद हैं और जब भी जांच टीम बुलाएगी वो चले आएंगे। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पुलिस ने अभी तक बाबा को तलब ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं? अगर नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया गया? क्या पुलिस को बाबा से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी, या फिर बाबा के वकील की तरफ से जो जानकारी साझा की जा रही है वो आधी अधूरी है? सवाल कई सारे हैं। सवाल पुलिस पर भी हैं और बाबा के पते को लेकर भी हैं, क्योंकि 3 दिन बीत गए लेकिन बाबा कहाँ है किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस मामले पर अब पॉलिटिक्स भी चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। बताएंगे आपको कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से क्या कहा गया और कैसे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया। लेकिन उसके पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से सुबह सुबह मुलाकात करने पहुंच गए और जैसे ही राहुल गांधी पीड़ितों के पास पहुंचे उनका दर्द आंसुओं से छलक कर बाहर आ गया। राहुल गांधी सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे थे। हाथरस के हादसे में यहाँ की मंजू देवी और उनके बेटे पंकज की मौत हुई थी। राहुल गांधी ने उनसे बात की तो परिजनों का दर्द निकलकर सामने आ गया। उन्होंने राहुल गांधी से इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग की कि वो इंसाफ दिलाएं। कहा कि कुछ भी हो जाए दोषी किसी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को उनकी आवाज उठाने का भरोसा भी दिया और कहा कि वो संसद में भी इस मामले को उठाएंगे। राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे तक पीड़ितों से बात की और सबसे भावुक लम्हा तब नजर आया जब एक छोटी सी लड़की राहुल गांधी के पास आई और लिपट लिपट कर रोने लगी। लड़की के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने लड़की को गले लगाया और उसे चुप भी कराया, ढाढ़स बंधाया। लेकिन एक वक्त वो भी दिखा जब लोगों का दर्द सुनकर राहुल गांधी की आंखों में भी आंसू छलक आए। दरअसल जो लड़की राहुल गांधी से लिपट कर रोई उसने अपनी माँ को हाथरस के हादसे में खो दिया। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस भी गए और यहाँ भी पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी का कहना है कि पीड़ितों ने उन्हें बताया कि हादसा प्रशासन की कमी और लापरवाही के चलते हुआ था। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं। मैडम फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं UP के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। आपको बता दें कि हाथरस हादसे के बाद अगले ही दिन 3 जुलाई को CM योगी ने भी हाथरस का दौरा किया था। वे अस्पताल में पीड़ित और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। हादसे की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की पहली बैठक गुरुवार शाम सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में हुई थी। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ब्रिजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि बहुत जल्द आयोग की टीम हाथरस जाएगी और यहाँ से सबूत इकट्ठा करेगी। दावा यह भी किया गया कि पुलिस ने हाथरस हादसे को लेकर जांच और तेज कर दी है। IG शलभ माथुर ने गुरुवार को ही मीडिया को यह बताया था कि बाबा भोले बाबा और सूरजपाल के 6 सेवादार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सभी आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं, इनमें 2 महिलाएं हैं और फरार मुख्य आयोजक
देव प्रकाश मधुकर पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इस हाथरस हादसे के बाद यूपी की राजनीति में भी चौंकाने वाला दावा अखिलेश यादव ने कर डाला। एक तरफ उन्होंने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को लेकर घेर दिया, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को लेकर यह दावा कर दिया कि बीजेपी में खेल कुर्सी का चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हट जाएं और वो खुद सीएम बन जाएं। सीएम योगी को डर है कि स्वास्थ्य मंत्री कहीं कुर्सी न हथिया लें और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग के बजट में कटौती की जा रही है। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, इसका उन्हें दुख है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार नहीं हुआ, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की बनती थी। अखिलेश ने यह भी कहा कि प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो और लोग सुरक्षित आएं और जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सरकार इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेगी। यूपी के स्वास्थ्य सेवाएं पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि यह पूरी तरह खत्म हो गई है। हाथरस कोई पहला हादसा नहीं था, इससे पहले भी हादसे में स्वास्थ्य सेवाएं फेल साबित हुई। वैसे इसके पहले इसी मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी दुख जाहिर किया था और मीडिया से जब बात की थी तो उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार घायलों को इलाज दिलाने में नाकाम रही, घायलों को इलाज की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए थी और प्रशासन घटना का जिम्मेदार है। लेकिन इससे इतर अगर बाबा की बात करें तो एक तरफ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की बहन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बाबा सही समय पर लोगों के सामने आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सूरजपाल आस्था बहुत है, तभी तो वे हॉस्पिटल में सुनता डरे सो मर गए, सो तब बुराई ना कर रहे प्रभु की भी तभी बुराई ना कर रहे और जहाँ के गांव के तो ना कर रहे, हमारी बुलाता है तभी जाता है, बिना बुलाए तो जाता ना, महीने छः महीना भजता है प्रभु हमारे यहाँ चरण डाल दो, हाँ तब भी अपने इंतजाम करता है और भी करवाता है तब जाता है प्रभु का, बिना परमिशन के कहीं नहीं जाते, गुस्सा हराम होते है और पहले बिना को कसूर है ही ना, हाँ दोषी बनाओ भले पे लेकिन दोषी ना है। हाँ भोले बाबा के छोटे भाई की पत्नी को न्यूज 18 ने ढूंढ निकाला और न्यूज 18 को भोले बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने बताया कि बाबा उसके बच्चों के साथ मारपीट करता था। सूरजपाल के भाई की पत्नी ने कहा कि भोले बाबा का उसके परिवार से अब कोई ताल्लुक कोई मतलब नहीं है, बाबा ने एक बार उनके बच्चों के साथ मारपीट की, मामला थाने तक पहुंच गया था। यह भी बताया कि भोले बाबा के किसी सत्संग में वो कभी नहीं गए, साथ ही कोई उनसे सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो सगे भाई की मौत पर भी नहीं आए, परिवार के किसी भी सदस्य की मौत पर नहीं आए, तो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है।